की शादी है 23 तारीख की गाइस, फाइनली शादी है 23 तारीख की और हमें बहुत जल्दबाजी में आना पड़ा। यूट्यूबर अरमान मलिक तीसरी शादी करे या ना करे, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग बाग उनकी शादी करवा के ही मानेंगे। अभी रेडिट पर एक वीडियो इतनी जमकर के वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पायल मलिक कृतिका मलिक शॉपिंग कर रहे हैं चीना की शादी के लिए और 23 नवंबर को शादी है। इस टाइप की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फोटो भी अटैच्ड है अरमान मलिक और लक्ष सोगल का। लक्ष सोगल वो औरत है जो अरमान मलिक के बच्चों की केयर टेकर है और उन दोनों की शादी की ही बातें चल रही है आज की डेट में सोशल मीडिया पर। और सबसे ज़्यादा रूमर्स तब निकल के आए थे जब करवा चौथ पर संदीप नाम की मेहंदी नजर आई थी लक्ष सोगल के हाथ पर। बाद में क्लियरिफिकेशन हो गया था कि संदीप को और उनके एक होने वाले हस्बैंड है जिनसे उनकी शादी होने वाली है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि इस वायरल वीडियो का सच क्या है तो मैं उनको बता दूं कि शादी है 23 तारीख की गाइस, फाइनली शादी है 23 तारीख की और हमें बहुत जल्दबाजी में आना पड़ा। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि चीना का अगर इससे प्यारा नहीं हुआ तो लोग हमें इतनी गालियां देंगे, तो अपना जो भी लेंगे उससे डबल प्यारा चीना का लेंगे। तो चीना कृतिका मलिक की सिस्टर है जिसकी शादी भी हो चुकी है और उसी की शादी की हल्दी तैयारी का व्लॉग, शादी का व्लॉग सब पोस्ट किया है पायल मलिक और कृतिका मलिक ने। और उसी व्लॉग में से ये वीडियो की जो क्लिप है वो कट करी गई है, साथ में अरमान मलिक और लक्ष सोगल का रीसेंट फोटो लगाया गया जिससे सभी लोगों को यह लग रहा है कि अरमान मलिक फिर से शादी करने वाले हैं जिसकी तैयारी में पायल मलिक और कृतिका मलिक जुड़ गए हैं। तो इसी वायरल न्यूज को डीबंक किया है कार्स फॉर यू ने। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।